फोर मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले ऑक्सीटेन, जिसको ऑक्सासाइक्लोब्यूटेन, थाइईटेन, थायासाइक्लोब्यूटेन, एजीटीडीन, एजासाइक्लोब्यूटेन, अनसेचुरेटेड में एजीट, एजासाइक्लोब्यूटाडाइईन, 1-azitin और 1-azacyclobutin, azitidine, 2-ON, इसमें साथ कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोनिक कंपाउंड है। इसी तरह ऑक्सीजन में 2-hydroazite और सल्फर कंटेनिंग में 2-hydrothiazite। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच हैव द फोर मेंबर्स हैविंग द वन हेट्रो एटम इन इट। नाउ आज जो हमने डिस्कस करना है वो ऑक्सीटेन को डिस्कस करना है। ऑक्सीटेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड दिस ऑक्सीटेन कंटेन वन ऑक्सीजन एटम इन द फोर मेंबर्ड रिंग सिस्टम। इट इज सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड and this compound is very important in and used for the synthesis of many other organic compounds and most particularly in the synthesis of important medicines as well. Now first of all structure of azitin oxitane, the structure include that there is carbon carbon bond which is wider देन द एक्सपेक्टेड, ये वाइडर होगा। इसमें थोड़ी सी रिंग पकरिंग होती है और वो पकरिंग इस वजह से कि यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है उससे यहाँ डेविएशन है कि द कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंगल इज अबाउट 91.1 डिग्री, द कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल इज 84.1 डिग्री। तो इस वजह से यहाँ पर रिंग में पकरिंग होगी। This is also planar in structure in the gas phase and the three substitution increasing puckering due to eclipsing interactions. So, yahan par eclipsing interactions hai ki jo bond hydrogen ke present hai wo eclipse hydrogen hai, is wajah se iski strain energy high hoti hai 107 kilocalorie per mole. Yahan par kuch comparison hai strain energy ka oxirane aur oxitain ka। तो ऑक्सीटेन की इससे भी थोड़ी सी ज्यादा है, वो 114 किलो जाउल है और ऑक्सीटेन की 107 है। अगर ये 5 मेंबर्ड रिंग पे चला जाए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान या 6 रिंग पायरान वगैरह पे तो द स्ट्रेन एनर्जी डिक्रीजेस एट दिस एनर्जी डिक्रीजेस टू 23 किलो जाउल पर मोल एंड 5 किलो जाउल पर मोल रिस्पेक्टिवली। इट इज ए कायरल व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन पोजिशन नंबर 3। अगर आप इसकी पोजीशन नंबर 3 पे मींस के जो बिल्कुल ये जो ट्रांस पोजीशन आती है यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूएंट आ जाए देन इट विल बिकम द ए कायरल एंड इट इज मोर सॉल्युबल इन द डाइमिथाइल डेरिवेटिव्स। और डाइमिथाइल डेरिवेटिव्स में यानी इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ऑक्सीटेन हैव द मोस्ट लीवस बेसिक ऑक्सीजन ऑफ साइक्लिक ईथर, इसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है और इसकी बेसिसिटी की रेंज 2-4 पीके वैल्यूज के अंडर आती है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड फर्स्ट वन सॉल्युबल अंडर बेसिक कंडीशन, क्योंकि ये खुद बेसिक है और बेसिक कंडीशन में ज्यादा डिसॉल्व होता है, रिंग ओपनिंग इसकी बहुत कम होती है और इसी वजह से कि इसकी ये जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्युबल प्रोडक्ट जो बनाएगा तो मोस्टली ऑक्सीटेन्स आर सॉल्युबल इन बेसिक मीडियम और बेसिक मीडियम इसके सॉल्यूशन को यूज किए जाते हैं। एसिडिक कंडीशन में इट इज नॉन डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीटेन्स आर स्टेबल अबव pH 1। अगर सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो pH 1 तक स्टेबल है और 3-3 डाई सब्स्टिट्यूटेड दे आर मोर स्टेबल एट इवन pH 1 के, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो डाई सब्स्टिट्यूटेड है इसकी स्टेबिलिटी pH 1 में भी है। जो मोस्ट कॉमन एसिड इसमें हम यूज करते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड वगैरह ये मोस्ट कॉमन एसिड्स हैं जो कि इसको डिजॉल्व करने के लिए या इसकी स्टेबल कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ द सिंथेसिस, द फर्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस दैट साइक्लो डिहाइड्रोहैलिजेशन।
साइक्लोडीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 1,3 हेलो अल्कोहल्स। तो इसमें आपने 1,3 सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्कोहल लेना है, यहाँ पर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी, हाइड्रोजन और ये HCl रिमूव होंगे एंड दिस विल प्रोड्यूसेस अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। द मोस्ट कॉमन रूट्स में इंटरमॉलिक्यूलर या विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, तो इसमें हमारे पास ये सब्स्टिट्यूटेड 1,3 हेलो अल्कोहल्स हैं, ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में इंटर होने के बाद ये भी ऑक्सीटेन सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीटेन में कन्वर्ट होंगे। लाइकवेज द अदर कॉमन इज सल्फोनियम जिलाइड्स टू एल्डिहाइड्स, कि अगर हम जो एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं उनको फॉस्फोनियम जिलाइड्स के थ्रू भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीटेन। एंड देयर इज अनदर द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इज पेटर्नोबुची साइक्लो एडिशन। इन दिस साइक्लो एडिशन द एल्डिहाइड एंड अल्कीन आर कन्वर्टेड इनटू द ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीटेन। The most general approach is that it is very difficult to predict the substrate success. Chloro-bromo substrate can differ greatly. कि अगर आप chloro या bromo substrates हैं लेंगे तो इनकी substitution या इनसे oxytane की जो formation है वो slightly change करेगी। तो chlorine most commonly use किया जाता है, bromine less reactive halogen है, तो इसकी dehalogenation थोड़ी मुश्किल सी होती है, difficult होती है। Byproduct formation is plentiful. कि इसमें बहुत से बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है, जस्ट लाइक यू कैन सी दैट हियर द 1,3 डाई हेलो अल्कोहल विच इज सब्स्टिट्यूटेड एट कार्बन नंबर 3। तो इसमें तीन किस्म के प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज द ऑक्सीटेन, द सेकंड प्रोडक्ट इज अल्कीन एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज द ईथर। तो इन तीनों का जो रेट है वो डिफरेंट है, तो पहली जो है वो इंट्रा अरेंजमेंट है, दूसरी में ग्रॉप फ्रेगमेंटेशन है, और तीसरी भी इंटर रीअरेंजमेंट है कि जिसमें ये मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करके एक लॉन्गर मॉलिक्यूल्स को यील्ड कर देंगे, तो हमारे पास ईथर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी।